हेलो ऑल, आप सभी का सिविल सीकर प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ASD 2 स्टील एडवांस स्ट्रक्चरल डिज़ाइन 2 स्टील कवर कर रहे हैं। सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग में। इसमें हमने कैट ट्रस रिलेटेड टॉपिक कवर करना स्टार्ट किया है, जिसमें हमने इसका थ्योरी पार्ट देख रखा है और इसका डिज़ाइनिंग पार्ट का 2 पार्ट देख रखा है, और ये तीसरा पार्ट है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, इस पार्ट में मैं 4 स्टेप कवर करूँगा। 4 स्टेप की हेल्प से हम इस पार्ट को कवर करेंगे। पार्ट 3rd है ये। तो आइए देखते हैं हम कौन कौन से 4 स्टेप फॉलो करते हैं, सेम टू सेम एज प्रीवियस है। पहला ILD डायग्राम, दूसरा है फोर्सेज इन द मेंबर, फाइंड आउट करना है जो डेड लोड, लाइव लोड और इम्पैक्ट लोड के हेल्प से लगता है। और फिर हम सेक्शन सेलेक्शन करेंगे, सेलेक्शन ऑफ सेक्शन, देन हम चेक लगाएंगे लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए। ठीक है, तो इसमें इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है स्टेप फर्स्ट, जिसमें हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। उसमें Y3 और Y4 पार्ट, 2 पार्ट निकालना पड़ता है, तो क्योंकि एक कॉम्प्रेशन में लग रहा है और एक टेंशन में लग रहा है। ठीक है, तो इसमें हम निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला है cosec थीटा इंटू A3 बाई AL इंटू L, सॉरी L, cosec थीटा इंटू A3 बाई L। A3 क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, और लेंथ, और L हो गया पूरे लेंथ। ठीक, इसके हेल्प से हम ये निकाल लेंगे, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कवर करेंगे स्टेप फर्स्ट। ये आप वहाँ, ये उसका डायग्राम है। आप इस डायग्राम को भी देख के आप आसानी से समझ सकते हैं A3 A4 क्या है, Y3 Y4 क्या है। और आगे X3 और X4 भी निकालते हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस हमें शो करना होता है। ठीक है, कैलकुलेशन में दिखाना होता है। तो ये कैसे निकालते हैं हम, जो हमारा डिस्टेंस कोऑर्डिनेट तक होना चाहिए वो कैसे निकलेगा, मुझे भी विश्वास है कि आप आसानी से कवर कर लेंगे, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और इसे ट्रायंगल थ्योरम के हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आप आसानी से करेंगे। मैं ज़रा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना चाहता हूँ, ताकि वीडियो छोटा बने और आसानी से समझ में आए। फिर हम आगे स्टेप नंबर 2 में चलते हैं, जिसमें हम फोर्स निकालते हैं, डेड लोड, लाइव लोड और इम्पैक्ट लोड। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज हैं, जिसको हम कवर करेंगे और उसके हेल्प से हम निकालेंगे। आप इसको देखिए, समझिए और आसानी से सॉल्व करिए। पहला होगा फोर्स ड्यू टू लाइव लोड इन कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन जोन में निकालेंगे। उसका फॉर्मूला हो लाइव लोड इनटू एरिया ऑफ पॉजिटिव जोन ऑफ ILD। पॉजिटिव जोन देखेंगे, क्योंकि एक कॉम्प्रेशन जोन में। और फिर इसके बाद जब हम टेंशन जोन का निकालेंगे लाइव लोड, ठीक है, ड्यू टू लाइव लोड, तो हम वहाँ पर निगेटिव जोन का देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो टेंशन निगेटिव जोन में होता है। देन इसके बाद हम दोनों बोथ जोन का निकालेंगे। देन इम्पैक्ट लोड निकालेंगे, जो हमेशा की तरह निकालते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर गिवन है क्वेश्चन में, वो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। लाइव लोड भी गिवन है क्वेश्चन में, डेड लोड भी गिवन है क्वेश्चन में। जब हम पार्ट फर्स्ट देखेंगे, वहाँ क्वेश्चन है, वहाँ आप आसानी से देख सकते हैं। देन हम टोटल डिजाइन कॉम्प्रेसिव फोर्स निकाल देंगे, ठीक है, माइनस करके। एक स्टेप इसमें छूटा हुआ है, जिसमें हम निकालते हैं, बता देता हूँ मैं क्या निकालना होता है। एक स्टेप मैंने इसमें मेरे से गलती से छूट गया है, ठीक है, जिसमें हम निकालते हैं फोर्स ड्यू टू इम्पैक्ट लोड इन कॉम्प्रेशन जोन। टेंशन जोन मैंने फाइंड आउट कर दिया है, कॉम्प्रेशन जोन नहीं किया है। उसमें भी सेम टू सेम फॉर्मूला लगेगा। उसमें क्या होगा, इम्पैक्ट फैक्टर इनटू लाइव लोड इन कॉम्प्रेशन, इम्पैक्ट फैक्टर 0.20 गिवन है, इनटू लाइव लोड इन कॉम्प्रेशन जोन ऊपर दिया हुआ है 466.20, और इसके हेल्प से हम फोर्स ड्यू टू इम्पैक्ट लोड इन कॉम्प्रेशन निकाल सकते हैं। फिर फोर्स ड्यू टू लाइव इम्पैक्ट लोड इन टेंशन निकालेंगे, जिसका मैंने सॉल्व किया यहाँ पे। ठीक है, आप आसानी से समझ लीजिए। फिर हम कॉम्प्रेशन जोन का माइनस प्लस करके निकाल देंगे, और फिर डिजाइन टेंशन फोर्स निकाल देंगे, ठीक है, टोटल में से। आगे के स्लाइड में हम देखते हैं, चेक फॉर लोड स्टेप 4th होगा, लास्ट स्टेप होगा, जिसमें हम चेक लगाते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए। जिसमें हम पहले मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालते हैं अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ फार्मूला गिवन है 4 अंडर ये ब्रैकेट ब्रैकेट XXX IXX प्लस AH² एरिया होगा। आप समझ सकते हैं H जो उसका हाइट गिवन है, ठीक है, वो होगा। आगे हम फॉर्मूला फिर पुट करते हैं और यहाँ पे निकाल देते हैं IXX IYY, ठीक है। इसके बाद हम रेडियस ऑफ जायरेशन निकालते हैं, जो उसमें पिछले बार भी निकाले हैं, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ मेंबर निकालते हैं, सेंटर टू सेंटर लगाते हैं, जो जो उसका लेंथ होता है उसकी हेल्प से हम यहाँ फिर इंटरपोलेशन करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू हमारा दिया हुआ है IS code 800/1984 में, पेज नंबर 39 में, ठीक है, जहाँ से हम एलाउएबल स्ट्रेस इन एक्सेल कॉम्प्रेशन
फॉर स्टील हैविंग वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेस है इतना 250 न्यूटन पर एमएम एंड जो हमारा गिवन है वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, लैम्डा गिवन है, लैम्डा इज एज 76.34। ठीक, तो यहाँ पे इंटरपोलेशन की हेल्प से आप फिर लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने के बाद उसमें जो एरिया प्रोवाइडेड उसको इंटू करते हैं सिग्मा एसी में, ठीक है, और उसकी हेल्प से आप यहाँ वैल्यू निकाल लेते हैं, जो वैल्यू जो हमारा पहला डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस फोर्स आया है उससे बड़ा होना चाहिए, और जब बड़ा होगा तो हमारा सेलेक्शन जो सेक्शन जो सेलेक्ट किए हैं वो भी सही है, और ये लोड कैरिंग कैपेसिटी जो हम चेक लगा रहे हैं वो भी सही है। सही है, ये सारा स्टेप एज प्रीवियस है, बस थोड़ा सा फार्मूला चेंजिंग हुआ है। क्यों चेंजिंग हुआ है? क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा सेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़्यादा सेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ज़्यादा रिविट आ जा रहा है। रिविट का एक अलग कॉन्सेप्ट चलता है जिसमें माइनस करके निकालते हैं, साथ ही साथ जो फोर्सेज अप्लाइड हो रही हैं और मेनली यहाँ पे कॉम्प्रेशन और टेंशन जोन दोनों है, इसलिए कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा बड़ा है। आप अगर इसे दो तीन बार इस वीडियो को देखेंगे और पेन कॉपी उठा के सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को पूरा कवर कर सकते हैं। ठीक है, RGPB स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं, ये शिवानी के जो आप लोग के लिए गाइड आता है, एग्जामिनेशन गाइड जो आता है, जो RGPB स्टूडेंट ज़्यादा प्रीफर करते हैं, उसमें का शिवानी का यूनिट सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। आप वहाँ से भी रेफरेंस के लिए ले सकते हैं, देख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है क्योंकि स्क्रिप्ट बड़ा होता है, तो आप यहाँ से समझ के आप इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। बहुत आसान बात मैंने समझाया है, फ्रेंडली समझाया है ताकि आप समझिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ जरूरतमंद तक शेयर करिए, और इसके पार्ट सेकंड को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मैं प्रोवाइड कर दूँगा लिंक, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमारे सिविल सीकर के साथ बने रहिए।